सब्सक्राइब तो आपने आगे कोई नहीं किया हो ना, तो जिनके उठा उठा के उठा उठा के वो जो आपने 10 पेयर के लिए डाली है वो एक पेयर नहीं जो उनसे आप पूरी कर, 1 से 1.5 दिन में उनकी नेस्टिंग मुकम्मल हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, उम्मीद है आप खैर है इसे होंगे। फिंच को मटकी लगा के दें, बॉक्स लगा के दें, या बास्केट लगा के दें, ठीक है। तो मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा वो सीधी सी बात है ये है कि आपको मटकी रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मटकी में इनको नेस्टिंग करनी भी थोड़ी पड़ेगी। जो अगर आप इनको बॉक्स लगा के दें तो वो तो इतना बड़ा होता है, तो उन्होंने बढ़ते बढ़ते 4-5 दिन लगा देने। अगर आप इनको मटकी लगा के देंगे तो इन्होंने 1 से 1.5 दिन में अपनी जो नेस्टिंग है वो मुकम्मल कर लेनी है, फुल मुकम्मल कर लेंगे, ठीक है। तो अगर बॉक्स लगाएंगे तो उन्होंने तिनके उठा उठा के उठा उठा के वो जो आपने 10 पेयर के लिए डाली है वो एक पेयर नहीं जो उनसे पूरी कर लेनी है एक बॉक्स में, ठीक है। बास्केट का ये होगा कि जो टोकरी होती है, थोड़ी सी उर्दू भी बोल लेना, जो टोकरी होती है वो अगर हम इनको लगा के दें, बास्केट में ये होता है जी वो फुल कवर नहीं होता, जिसकी वजह से इनके केज में रोशनी रहती है और इनको सारा बाहर से जो नज़ारा होता है वो नज़र आता रहता है, ठीक है, नज़र आता रहता है। तो वो फिर क्या होता है जी, जब हम इनके नज़दीक आते हैं तो वो डर जाते हैं, अंडे अगर इन्होंने दिए होते हैं वो डर जाते हैं, अंडों पर बैठना छोड़ देंगे, जिसकी वजह से आपको ब्रीड वगैरह नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मटकी लगा के दें। मटकी ने इतनी सी जगह लेनी है नेस्टिंग के लिए, तो वो जल्दी 1 से 1.5 दिन में उनकी नेस्टिंग मुकम्मल हो जाएगी, तो वो जल्दी अंडे दे देंगे और बच्चे निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये थी एक थोड़ी सी मेन सी तफसील से, थोड़ी सी तफसील से मैंने आपको वीडियो बता दिया है, तो थोड़ा 120 की स्पीड से बताई है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी आपकी मर्जी है कि आप अपनी फिंच को क्या लगा के दें, ठीक है। सब्सक्राइब तो आपने आगे कोई नहीं किया हो ना, तो अल्लाह हाफिज़ कह सकते।